अकेले ही निकल चले थे। वो कहते हैं ना, जो हमारे साथ है वो एक दिन छोड़ के चले जाएंगे, उनका कोई दोष नहीं है। हमारी जिंदगी में उनका रोल बस इतना ही है। हमारी नेचुरल बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ हम खुद ही है भाई। अगर खुद ही अपना बेस्ट फ्रेंड बन गए, देखोगे जिंदगी बहुत अच्छी लगने लगेगी। तब अकेलेपन का कोई डर नहीं सताएगा। और इसी वजह से निकल पड़ते हैं अकेले, क्योंकि जब मैं खुद अपने साथ हूं तो डरना किस बात का। गुड मॉर्निंग गाइज एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम दारिंगबाड़ी। हम लोग जिस होटल में ठहरे हुए हैं दारिंगबाड़ी में, मैं उस होटल के छत पर हूँ और मैं सोच रहा था कि भाई सनराइज़ के लिए जाएंगे। यहाँ पे एक सनराइज पॉइंट भी है भाई। यहाँ पे इतना ठंड है कि मैं दो दो जैकेट पहन के बैठा हुआ हूँ और सुबह को मैं उठ नहीं पाया। अभी कम से कम 7-15 तो ज़रूर हो रहा है। तो गाइज ये है दारिंगबाड़ी का जो शहर है, वो ये शहर पूरा का पूरा रेनोवेट किया गया है। और मैं कहता हूँ कि ये पहले था ही नहीं, अभी जो है एक साल पहले भी नहीं था। बहुत रेनोवेशन हुआ है, रास्ते बहुत ही खूबसूरत बने हैं और भाई यहाँ के मार्केट भी बहुत बढ़िया से बना हुआ है। तो गाइज़ हम लोग अभी होटल से निकल रहे हैं दारिंगबाड़ी का जो साइट सीइंग है उसके लिए। देखते हैं हम लोग के ड्राइवर भाई कहाँ कहाँ पर लेके जाते हैं हम लोगों को। हम लोग का यही होटल है, होटल उटोपिया। बहुत बढ़िया सा जगह है, पार्किंग का भी फैसिलिटी है, आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पे आ सकते हो। और बाइकर्स के लिए तो भाई बहुत ही बड़ा सा एक प्लस पॉइंट है। तो गाइस साइट सीइंग के लिए हम लोग निकल चुके हैं, बाइक से नहीं निकले हैं क्योंकि हम लोगों को मालूम नहीं है कि कौन कौन सा साइट है, कहाँ कहाँ पर जाना है। सो बेस्ट इज़ बुक अ कार एंड गो अलॉन्ग। और ये रही बाहर की सीन। तो गाइस रास्ते के दोनों तरफ आपको पाइन फॉरेस्ट तो ज़रूर दिखाई देगा। पाइन है, यूकेलिप्टस है। और ये रही साइड की व्यू। भाई कार में जाने का मज़ा ही कुछ और है। बाइक से अगर आप लोग आते हो, आप लोगों को ये जगह आप लोगों के लिए अगर नया है, तो बेस्ट सजेशन इज़ कि भाई कार में आओ, आपको सही वाला व्यू मिलेगा। क्योंकि हम लोगों के जो ड्राइवर वाले भैया हैं उन लोगों को मालूम है, एक्सपीरियंस्ड है, और आपको सही जगह पे लेके जाएंगे जहाँ पे आपको सही वाला व्यू मिलेगा। ओह चलो ये व्यू ज़रूर एंजॉय करो एक बार, साइड का व्यू देखो। हम लोग अभी पहले जाएंगे दारिंगबाड़ी का जो वाटरफॉल है वहाँ। रास्ते में ही हम लोग का पंगाली वाटरफॉल वो भी पड़ने वाला है, लेकिन पहले हम लोग दारिंगबाड़ी वाला एरिया में जाएंगे। आने के टाइम में हम लोग पंगाली वाटरफॉल कवर करेंगे। और गाइस रास्ते के दोनों साइड के नज़ारे तो देखो भाई। इसी वजह से इस जगह को कहते हैं कश्मीर ऑफ ओडिशा। भाई मुझे तो ये रास्ता पूरा सिक्किम का याद दिला दे रहा है। हाँ उतना ज़्यादा एलिवेशन नहीं है पर बहुत खूबसूरत है भाई। नीचे दारिंगबाड़ी का शहर है, शहर नहीं है टाउन है, बट भाई ये वैली के वजह से हम लोगों को रुकना पड़ा यहाँ पे। भाई क्या जगह है, डेंजरस है, ब्यूटीफुल है, बहुत खूबसूरत है। वो देखो यहाँ से रास्ता सीधा नीचे की तरफ जाता है और वो रही दूर दारिंगबाड़ी का जो टाउन है वो है। वाह ये ना रास्ता बहुत ही न्यूली बिल्ट है, पहले ये रास्ता नहीं था।
लोगों के ब्लॉग में मैंने देखा है, अभिजीत दा के ब्लॉग में या फिर ड्रीम वॉक के ब्लॉग में, वो लोग जब यहाँ पे आए थे तब ये रास्ता बिल्कुल नहीं था। अब देखो ये रास्ता कितना बढ़िया सा बन गया है। अगर आप लोग एक साल बाद भी यहाँ पे आओगे ना, पूरा का पूरा जगह और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा कंप्लीटेड रहेगा। वाह क्या सीन है। तो गाइज यहाँ से हम लोग लेने वाले हैं राइट टर्न। ओ भाई ये तो पूरा डिक्लाइन वाला रास्ता है। यहाँ पे जो वाटरफॉल है मृयुबंधा कहते हैं लोग इसको, तो उसी के तरफ हम लोग अभी आगे बढ़ रहे हैं। चलो अब आगे का व्यू देखो। ओहो आगे से सीढ़ी नीचे उतर जाती है। ओ तेरी कूल। दोनों साइड में कुछ मसाले टाइप के हैं, हल्दी अदरक ये सब जो लोकल्स हैं वो बेच रहे हैं। चलो हम लोग, अब भाई बहुत ज़्यादा डिक्लिनेशन है। ओ भाई दोनों साइड से ना झरने की आवाज़ आ रही है। लोग सोच रहे हैं ये राइट हैंड साइड वाली जगह क्या है। थोड़ा चलते हैं उस साइड, देखते हैं वहाँ पे क्या है, उसके बाद उस साइड में चलेंगे। मैं जिस जगह पे खड़ा हुआ हूँ वो मैं कुछ कहना नहीं चाहता, आप लोग खुद ही देख लो। मैं एक्चुअल में झरने के ऊपर खड़ा हुआ हूँ, वो देखिए नीचे बहुत सारे लोग हैं। ये पूरा का पूरा एक्चुअल में साइट है। मैं तो सोच रहा था कि इस टाइम पे पानी नहीं रहेगा, पर पानी तो है और बहुत ज़्यादा है। यही है वो रास्ता जहाँ से वाटरफॉल के करीब जाया जा सकता है। चलिए हम लोग भी नीचे उतरते हैं। ओहो कोई शॉर्टकट भी है, देखो शॉर्टकट से लोग नीचे जा रहे हैं। ये सीढ़ी वाटरफॉल की तरफ जाती है और भाई बहुत नीचे तक जा रहे हैं ये। वाह बहुत सारे सीढ़ी हैं। ओ भाई यहाँ पे तो भीड़ लगी हुई है। ओए वाटरफॉल की पहली झलक। तो गाइस ये रही मृयुबंधा वाटरफॉल। वाह बहुत खूबसूरत है। भाई ये वाटरफॉल बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ से पानी गिर के उस साइड में नदी के आकार से बह जा रही है और यहाँ पे बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। वाह बहुत खूबसूरत है भाई, बहुत खूबसूरत है। तो गाइस हम लोग हैं दासिंगबाड़ी घाट के मृयुबंधा वाटरफॉल के करीब। भाई ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे कुछ ज़्यादा टाइम हो गया है, आप लोग ज़रूर एक बार यहाँ पे आइए और ये नेचुरल ब्यूटी को ज़रूर निहारिए। ओ भाई वाटरफॉल तक पहुँचने में तो प्रॉब्लम नहीं हुआ था, अब वापस रास्ते तक जाने में तो फट रहा है। ओए बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं। ओ तेरी वो देखो हम लोगों का शॉपिंग आ रहा है। हाँ हिलते डुलते Say hi. You're okay? Almost. चलो चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, कोई वाटरफॉल ही होगा। मृयुबंधा वाटरफॉल को देख के अभी हम लोग जा रहे हैं पंगाली वाटरफॉल। It's P as in parrot. So Pangali waterfall, not Bengali. Pangali waterfall. देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। भाई रास्ते की खूबसूरती बहुत ही ज़्यादा है।
कभी कभार तो लगता है कि वह ब्लॉगिंग ना करके सिर्फ रास्ते की खूबसूरती जो है वो निहारते रहे। बहुत खूबसूरत सा रास्ता बनाया है, लेकिन बीच में थोड़ा ऑफ रोडिंग जगह है क्योंकि वहाँ पे रास्ता बन रहा है, वो भी 500 मीटर से ज़्यादा नहीं है। बट रिमेनिंग रोड्स आर रियली रियली ऑसम। यू गाइज शुड डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस वंस इन अ लाइफ टाइम जर्नी ब्रो। यार कितनी खूबसूरत सी ये वैली है। यहाँ पे एक चर्च है, वाओ दैट्स रियली नाइस। ये ऑफ रोड वाला जो जगह है, यहीं से पंगाली फॉल्स की तरफ जाया जा सकता है। तो गाइस यहाँ पे 50 रुपये दे के एंट्री मारना पड़ता है। 50 रुपये दे दिए और आगे का रास्ता थोड़ा ऑफ रोड वाला है। भाई यही तो मज़ा है, ऑफ रोड नहीं रहेगा तो हिली ट्रैक का मज़ा क्या है। तो गाइस हम लोग पहुँच चुके हैं रेनबो वाटरफॉल्स जो कि पंगाली में है, और बहुत नीचे की तरफ उतरना है। सीढ़ी टाइप का है, सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी होना चाहिए था, बहुत कुछ चीज़ें हैं। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ से उतरे। ये है रास्ता नीचे जाने का। हुआ थोड़ा स्लिपरी तो है लेकिन उतना भी डरावना नहीं है। चलो एक से भले दो और देखते हैं इस साइड में क्या है। हुआ छोटा सा मिनी वाटरफॉल। आगे एक तो वुडन ब्रिज है। अरे ये ब्रिज तो है लेकिन ब्रिज नहीं कह सकते इसको। वो सीढ़ी के नाम पे यहाँ पे एक्चुअल में कुछ नहीं है, सब नेचुरल सी मिट्टी को काट के यहाँ पे लोग उतरते हैं। यहाँ पे कुछ आदिवासी लोग हैं जो कि इस वाटरफॉल की एंट्री के लिए 50 रुपये तो लेते हैं, लेकिन यहाँ का डेवलपमेंट एक्चुअल में कुछ नहीं हुआ है क्योंकि भाई थोड़ा बहुत तो सीढ़ी होनी चाहिए थी। ये देखो ये नीचे का जो रास्ता है एक्चुअल में रास्ता नहीं है। ओ भाई ये देखो सीढ़ी यहाँ से सीढ़ी तो है नहीं, रास्ता यहाँ से डेंजरसली नीचे की तरफ जाता है। यहाँ पे पकड़ने लायक कुछ नहीं है। उड़ई वाटरफॉल। तो गाइस यही है पंगाली वाटरफॉल या फिर रेनबो वाटरफॉल जो भी इसको कह लो। वी आर एट दी पंगाली वाटरफॉल या फिर रेनबो वाटरफॉल जो भी कह लो, और सच में पीछे देखो रेनबो एक है। दैट्स वाई दिस इज़ वेरी ब्यूटिफुल। डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस सा रास्ता है, नीचे उतरने में बहुत सारों की फट गई है, इस वजह से सिर्फ 3 ही लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। और भाई बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है। इसको रेनबो वाटरफॉल क्यों कहा जाता है आप लोग मेरे पीछे बिल्कुल एक बार देख लो, सच में एक रेनबो है भाई, सच में एक रेनबो है और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग ज़रूर एक बार आइए, पर हाँ अपनी सुरक्षा अपने हाथ है क्योंकि यहाँ पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं है, यहाँ तक कि नीचे उतरने लायक सीढ़ी भी नहीं है। सब कुछ नेचुरल है, मिट्टी है, पैर फिसलन हो सकता है, सो डेफिनेटली टेक केयर। पर भाई खूबसूरती डेंजरस चीज़ों से ही ज़्यादा निखर के आती है। ये देखो क्यों है, बहुत ही खूबसूरत सा वाटरफॉल है भाई, बहुत खूबसूरत है। चलो चलते हैं इस जगह को गुड बाय बोल के नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ। रेनबो वाटरफॉल के सामने से
एक झलकी इस वादी की। बहुत खूबसूरत सी वादी है, डेंजरस है इसीलिए ब्यूटीफुल है। हम लोग अभी हैं दारिंगबाड़ी पाइन फॉरेस्ट के अंदर, और भाई हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो यहीं आ रहा है, एक ट्रैक्टर आ रहा है। लो भाई, ये पाइन फॉरेस्ट बहुत ही खूबसूरत है, पिकनिक स्पॉट है और बहुत लोग यहाँ पे पिकनिक करने के लिए आते हैं। वाह, ये जगह की खूबसूरती तो बहुत ही ज़्यादा है। वाह, बहुत सारे पाइन ट्रीज है। ये जगह बहुत ही खूबसूरत है, चारों तरफ सिर्फ पाइन ट्रीज हैं, पाइन ट्रीज हैं और पाइन ट्रीज हैं। ऊपर की तरफ अगर आप लोग देखते हो एक मेसमराइजिंग सा व्यू आएगा, और हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। पाइन फॉरेस्ट का जो साइट है वो हम लोगों ने घूम लिया है, बहुत ही खूबसूरत सी जगह है भाई। ये जगह को छोड़कर अभी तो जा रहे हैं, छोड़कर जाने की जी नहीं करता है, फिर भी चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ और देखते हैं वहाँ की खूबसूरती क्या कहती है। चलो लेट्स गो। हम लोग अभी हैं दारिंगबाड़ी का जो कॉफ़ी गार्डन है वहाँ पे, और अभी हम लोग कॉफ़ी गार्डन का अंदर जो है वहाँ पे एंट्री मारने वाले हैं। चलो देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ से कॉफ़ी गार्डन के अंदर जाने के लिए 10 रुपये का टिकट लगता है। आगे बढ़ चलते हैं भाई। कॉफ़ी गार्डन कहाँ पे है, यहाँ पे तो बड़े बड़े पेड़ है, यहाँ पे कॉफ़ी गार्डन तो है। चलो देखो, और यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेड़ हैं, कुछ सिल्वर ओक है वगैरह वगैरह है। चलो आगे चलते हैं। ये रहा कॉफी अरबिका, ये रहा। मैं यहाँ से थोड़ा कॉफी तो जरूर खरीदूंगा सुवेनियर के तौर पर। ब्लैक पेपर, ये ब्लैक पेपर है। कॉफ़ी से इनकम नहीं हो रहा है, इस वजह से ब्लैक पेपर के भी प्लांटेशन है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कभी कभार कॉफ़ी अरबिका, यानी कि अरबिक कॉफ़ी है। ऑसम जगह है भाई, ऑसम जगह है। आप लोगों को भी एक बार इस जगह पे घूमने के लिए आना चाहिए और ज़रूर चाहिए। कौन सा वाला बीन आप लोग तोलते हो? पक्का वाला, वो जो लाल लाल टाइप का जो है। ओहो, एकदम डार्क वाला जो है। मिलता है खरीदने के लिए? हाँ, खरीदने के लिए मिलता है। नहीं पता नहीं, ऑफिस में पता नहीं। ऑफिस वहाँ पे है, यहाँ से जाना होगा। हाँ। अब लोग ये बीन्स क्या क्या करते हैं इसके बाद? बीन नहीं है, फ्रूट है। बीन आफ्टर फोर्थ प्रोसेस बीन होगा। ओह अच्छा अच्छा, ये कॉफ़ी का फ्रूट है और ये प्रोसेसिंग होने के बाद वो बीन निकलेगा। अच्छा, ये और जो सूख रहा है वहाँ पे, ओ इसका जो है ये ड्रम्स में फर्मेंटेशन हो रहा है। हाँ हाँ, ओके। ओ अच्छा, ये सब ड्रम्स में उसको फर्मेंट किया जाता है। ये है यहाँ की कॉफ़ी, धूप में सूखने के लिए ये जगह पे कॉफ़ी को दिया हुआ है, और यहाँ से आप लोग ज़रूर इस कॉफ़ी को ख़रीद सकते हो। बट दीज आर नॉट दी बीन्स, ये कॉफ़ी का जो फ्रूट है वो है
उसके बाद अंदर से कॉफ़ी का जो बीन होता है, जो सीड होता है, उसको निकाल के पीस के उसके बाद उसका कॉफ़ी होता है। कॉफ़ी गार्डन के अंदर से थोड़ा हम लोग आगे चलते हैं। इस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है, सिर्फ यहाँ के वर्कर्स जो हैं वो जाते हैं। और भाई ये गार्डन एक बार देख लो भाई, पूरा जंगल है। आज का मौसम भाई एकदम फर्स्ट क्लास मौसम है, नीला रंग का आसमान है। ओ भाई यहाँ से तो रास्ता, ओ अच्छा 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 ठीक है ठीक है, वो तो रहा। तो गाइस हम लोग कॉफ़ी गार्डन जो था दारिंगबाड़ी का वो देख के अभी नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं अभी। और भाई भूख लग रहा है मुझे, देखते हैं कहाँ पे लंच कर सकते हैं। इट्स 12:52 तो लंच का टाइम तो ज़रूर हो रहा है। तो भाई लंच के लिए चलते हैं, यहाँ पे कोई डेजलिंग रेस्टोरेंट है, चलिए देखते हैं। जी रही हम लोगों की लंच की जगह आज के लिए, चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है खाने को। तो भाई लंच का वक्त है, लंच कर लेते हैं। ईटरी शो नहीं है इस वजह से लंच क्या कर रहे हैं, सिर्फ दाल चावल है और मछली है। तो भाई खाना पीना हो गया है, लंच हो गया है, अभी चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ। देर हो जाएगा, सुनने में आ रहा है कि रास्ता थोड़ा लंबा है, चलो चलते हैं। Thank you.